सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर्स ऑन लाइन डायग्राम लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था वॉट इज सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम उस एंट्र कोलिंग वाटर सिस्टम वर्क इन सारी टॉपिक्स पर मैंने बात किया था एंड मैंने वहाँ भी ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम और मेन इंजन सी वाटर कूलिंग सिस्टम समझाया था बट मैंने वहाँ कर्सर्स यूज नहीं किया था जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स आई तो मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई जहाँ पर मैं सी वाटर कूलिंग सिस्टम और ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम पर मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ सो so, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे मेन इंजन सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करती है एंड हमारी कैसे हमारी रिसर्कुलेशन होती है इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डिस्कस आवर लेक्चर्स नाउ ये हमारी मेन सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स की डायग्राम है तो आप यहाँ देख सक देख सकते हो यहाँ पर हमारी दो सी चेस्ट है फर्स्ट सी चेस्ट इज लो सी चेस्ट एंड सेकेंड सी चेस्ट इज हाई सी चेस्ट और हाई सक्शन वाल्व और लो सक्शन वाल्व और लो सी चेस्ट तो ये हमारी किन किन कंडीशंस पे हमारी सी चेस्ट यूज आती है फर्स्ट जो हमारी होती है लो सी चेस्ट वो हमारी जब भी हमारी सिप जो होती है हमारी ओपन सी में सेल कर रही होती है मींस व्हेन द सिप सेलिंग इन ओपन सी और इन मॉडरेट और डिप्ट ड्राफ्ट तो हमारी लो सी चेस्ट यूज आती है एंड जब हमारी सिप जो होती है सैलो वाटर में सेल कर रही होती है मीन्स हमारी सेलो वाटर में होती है तब तो हमारी हाई सक्सन वाल्व और हाई सी चेस्ट की यूज होती है तो आई होप ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा पहले से ही। तो आप देख सकते हो मैं सपोज लो सी चेस्ट लेकर चलता हूँ एग्जाम्पल तो लो सी चेस्ट में हमारी वेंटिंग अरेंजमेंट वगैरह होती है यहाँ पर शो की गई है सो so, लो सी चेस्ट के बाद आप देख सकते हो लो सक्सेंस वल्व प्रोवाइड है ओके लो सक्सेंस वल्व के बाद हमारी स्ट्रेनर प्रोवाइड है एंड आफ्टर दैट उसके बाद वल्ब है एंड आफ्टर दैट अगेन हमारी वल्व एंड सी वाटर सर्कुलेटिंग पम्प अरेंजमेंट है आप भी देख सकते हो हमारी दो सी वाटर सर्कुलेटिंग पम्प्स हैं तो यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग पंप्स होती है हमारी सी वाटर पंप होती है एंड वन पंप हमारी रनिंग कंडीशंस पे होती है एंड वन पंप हमारी स्टैंड स्टैंडबैक कंडीशन पे होती है एंड आफ्टर दैट ये आप देख सकते हो अभी सपोज आप मान कर चलो ये टेम्परेचर सेंसर एंड रि सर्कुलेशन वाल्व हमारी अभी नहीं है ओके okay? तो आप देख सकते हो हमारी सी वाटर पंप के थ्रू हमारी सी वाटर शक हो चुकी है एंड अब हमारी ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रही है फर्स्ट पार्ट हमारी क्या है लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलर सेकेंड पार्ट हमारी क्या है पिस्टन पिस्टन कूलिंग कूलर है हमारी ओके एंड थर्ड पार्ट हमारी चार्ज एयर कूलर है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर की लाइन डायग्राम में ही आपको बताया था जब मैंने आपको जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम पढ़ा रहा था तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कूलर हमें लगभग 46 48 डिग्री सेल्सियस में मेनटेन करनी हुई करनी पड़ती है एंड पिस्टन कूलिंग वो डिपेंड करती है कौन सी हमारी इंजिन है मैन बी एन डब्ल्यू सल्जर इंजिन एंड डिपेंड करती है हमारे पिस्टन वाटर कूल्ड पिस्टन है और ऑयल कूल्ड पिस्टन है अगर यहाँ पर सी वाटर कूलिंग सिस्टम में अगर ये शो की गई है तो ये हमारी वाटर कूल्ड पिस्टन होगी एंड थर्ड थिंग चार्ज एयर कूलर और हम बोल सकते हैं स्कैवेंज एयर कूलर्स ये हमारी दोनों ऑग्जिलरी इंजेंस की भी स्कैवेंज एयर कूलर्स को कूल cool करती है हमारी एंड मेन इंजेंस की स्कैंज एयर कूलर्स को भी हमारी कूल cool करती है एंड ये मेंटेन होती है 40 टू 44 फोर डिग्री सेल्सियस पे हमारी मेंटेन की जाती है नाउ अब आप देख सकते हो ये हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलर्स के आगे हमारी जैकेट कूलिंग मींस जैकेट कूलर्स है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में रीजन भी बताया था कि वाई जैकेट कूलर इज प्लेस्ड आफ्टर मेन इंजिन ल्यूबॉइल कूलर हमारी रीजन क्या है बिकाउज जैकेट कूलिंग कूलर इज मेंटेन एट हाई टेम्परेचर ओके मैं इसकी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप वीडियो अगर नहीं देखो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसकी वीडियो आप देख सकते हो क्यों क्यों हम जैकेट कूलिंग वाटर को हम ल्युब्रिकेटिंग ऑयल के बाद हम प्लेस करते हैं क्योंकि उसे हम हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं ओके okay, अब आप देख सकते हो जब हमारी जैकेट कूलिंग वाटर से हमारी कूल हो चुकी है मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारी चार्ज एयर कूलर पिस्टन एंड ल्युब्रिकेटिंग ऑयल कूलर से हमारी क्या हो रही है सी वाटर हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है मीन्स हमारी सी वाटर हीट गेन कर रही है उसके बाद हमारी जैकेट कूलिंग वाटर सिस कूलर पे जा रही है वहाँ भी हमारी सी वाटर क्या कर रही है उसे कूल cool कर रही है मीन्स हमारी हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है अब हमारी सी वाटर की जो टेम्परेचर्स होती है वो हमारी रेज हो जाती है एंड इट रेज अप टू फोर्टी फाइव फोर्टी सेवन फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस तो आप देख सकते हो उसके बाद हमारी ओवरवोड वाल्व है ओवरवोड वाल्व से हमारी उसे हम ओवरवोड कर देते हैं ये हमारी बेसिक्स सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स होती है हालांकि अभी हमारी मॉडर्न वेसल्स में यूज नहीं होती है हमारी मॉडर्न वेसल्स में सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम यूज होती है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी समझा चुका हूं नाउ no. अब आप देख सकते हो यहां पर हमारी थ्री वे वाल्व है ओके एंड ये हमारी टेम्परेचर सेंसर है एंड ये आप देख सकते हो हमारी ये रिसर्कुलेशन लाइन है तो जनरली हमारी क्या होती है जब शिफ्स जो होती है कोल्ड कंट्रीज़ में एंटर करती है तो उसकी सी वाटर की टेम्परेचर जो होती है बहुत ही कम होती है अबाउट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एटीन डिग्री सेल्सियस नाइनटीन डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस हमारी होती है लेकिन हमें जो कूलिंग पर्पस के लिए चाहिए हमें 26 टू 31 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है कुछ हीटअप करना पड़ता है तो हमारी यहाँ पर जो Toby. ओवरवोड वाल्व के थ्रू जो हमारी वाटर आ रही है आफ्टर कूलिंग ऑल दिस थिंग्स मीन्स हमारी उस सी वाटर क्या कर रही है हीट एक्सट्रैक्ट कर चुकी है मीन्स हमारी सी वाटर की टेम्परेचर रेज हो चुकी है एंड सी वाटर टेम्परेचर अबाउट फोर्टी फाइव टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस तो हमारी क्या होती है इस कंडीशन पर हमारी क्या होती है जब हमारी कोल्ड कंट्रीज पर होती है तो फोर्टी परसेंट हम वाटर ओवरवोड वाल्व के थ्रू ओवर करते हैं एंड सिक्सटी परसेंट वाटर हम क्या करते हैं आप देख सकते हो हमारी सिक्सटी परसेंट वाटर रीसर्कुलेशन लाइन के थ्रू हमारी मिक्स की जाती है आप यहाँ देख रहे हो हमारी अगेन सी वाटर आ रही है और ये हमारी कोल्ड कंट्रीज में है तो सी वाटर की यहाँ टेम्परेचर ट्वें मीन्स ट्वेंटी डिग्री 19 एटीन डिग्री सेल्सियस होगी तो हमारी यहाँ पर री सर्कुलेशन लाइन से जो फोर्टी फाइव टू फोर्टी एट डिग्री सेल्सियस आ रही है वो हमारी मिक्स होगी फिफ्टीन टू एटीन नाइन्टीन डिग्री सेल्सियस सी वाटर के साथ एंड ये हमारी टेम्परेचर यहाँ रेज होगी सी वाटर की एंड इट रेजेज अप टू थर्टी थर्टी वन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस ओके एंड ये अगेन हमारे सर्कुलेटिंग पंप्स के थ्रू हमारी शक uh, होगी एंड अगेन हमारी ये कूलिंग पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में हमारी यूज आएगी तो ये हमारा सिंपल सी वाटर और मेन सी वाटर कूलिंग ना तो आप यहाँ पर देख रहे होगे हमारी एक टेम्परेचर सेंसर है एंड वो हमारी सेंस कर रही है हमारी थ्री वे वाल्व ओवरवोड थ्री वे वाल्व के साथ तो यहाँ पर ये यह होती क्या है क्या अरेंजमेंट दी गई हुई है तो यहाँ पर हमें कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो होनी चाहिए रिसर्कुलेट होनी चाहिए ताकि हमें जो सपोज कोल्ड कंट्रीज में हमने बोला फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है तो हमारी कितनी अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर हमारी जो थ्री वे वाल्व होगी वो हमारी डाइवर्ट करेगी टूवॉर्ड्स रिसर्कुलेशन वाल्व की ओर मीन्स कितनी परसेंट ज ऑफ वाटर वो डाइवर्ट करेगी वाल ताकि वो मिक्स हो सके इनकमिंग सी वाटर मींस कोल्ड सी वाटर के साथ एंड वो प्रीडिनेंटरेचर अचीव कर सके दैट इज ट्वेंटी सेल्सियस तो हमारी टेम्परेचर सेंसर जो है वो टेम्परेचर सेंस तो ऐसे हमारी टेम्परेचर सेंस करती है सो so, अगर इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ये मरी ट्यूटर ऐसी ऐसी वीडियो हमेशा लाता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो